नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज खबरों में है, और स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। एक और स्टॉक है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, और ये दोनों ही कंपनियां आज के सेशन में बड़े फोकस में है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस की बात की जाए तो वो ग्लेनमार्क का ही एक पार्ट है, जहां पे ग्लेनमार्क के पास हिस्सेदारी अच्छी खासी थी। जहां पे खबर आज ये आई है कि ग्लेनमार्क फार्मा अपना 75% स्टेक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस में बेच रहा है। इस खबर को पढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करना चाहता हूं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। हम चलते हैं डायरेक्टली ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस के स्टॉक के ऊपर, ताकि हमें यह पता चल सके ग्लेनमार्क फार्मा होल्ड कितना करता है। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस के स्टॉक पे मैं आ चुका हूं इस समय, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाता हूं तो प्रमोटर्स के पास 82% है, जहां पे ग्लेनमार्क फार्मा के पास 82.84% का स्टेक है। दैट मींस 75% के स्टेक के बिकवाली के बावजूद 7.84% के स्टेक ग्लेनमार्क फार्मा के पास रहेगा, बट एक मेजोरिटी स्टेक बिक जाएगा जो कि इनको कंपनी के अंदर बस एक शेयर होल्डर के रूप में देखा जाएगा। उसके बाद ये उस पर एक मतलब पावर वाला, किसी के पास भी 50% से ज्यादा स्टेक हो जाए वो कंपनी का मेन बंदा हो गया, फिर पावरफुल बंदा हो गया। वो अब बन जाएगा कौन, जो खरीद रहा है, और खरीद कौन रहा है, निर्मा। चलिए समझते हैं पूरी डिटेल। ग्लेनमार्क फार्मा टू सेल 75% स्टेक इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस टू निर्मा फॉर ₹5,652 करोड़, यानी 5,652 करोड़ रुपए में 75% स्टेक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का बिक रहा है। टोटल वैल्यूएशन इसके निकल के आते हैं ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 7,500 करोड़ के समथिंग के। और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का मार्केट कैप मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि कुछ प्रीमियम वगैरह दिया है या फिर डिस्काउंट लिया है या करंट मार्केट से ही हुआ है। नहीं, एक्चुअली में जो कंपनी का अभी मार्केट कैप है 7,597 करोड़, वही मान के चलो, क्योंकि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस जो कि बिक रहा है ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा निर्मा को, उसका भाव जो तय करा गया है वो भाव करंट मार्केट के प्राइस पे ही है। ऑलमोस्ट 615 रुपए के भाव पर बिकेगा और 620 रुपए पे बिक रहा है। तो अभी जो मार्केट कैप है कंपनी का 7,600 करोड़ का ग्लेनमार्क लाइफ का, उसी मार्केट कैप के वैल्यूएशन पे निर्मा ने 75% स्टेक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का खरीद लिया है ग्लेनमार्क फार्मा से। ग्लेनमार्क फार्मा जो कि ग्लेनमार्क लाइफ की एक पेरेंट कंपनी मान सकते हो आप, और अभी जो होल्ड करती है ग्लेनमार्क फार्मा ग्लेनमार्क लाइफ में अराउंड 82.84% होल्ड करती है, 75% निर्मा को बेच देगी, उसके बाद 7.84% स्टेक बचेगा। और जो निर्मा खरीद रहा है, निर्मा 75% स्टेक ले रहा है, जिसकी कॉस्टिंग दे रहा है वो 5,600 करोड़ के समथिंग ग्लेनमार्क फार्मा को। अब ये दोनों ही स्टॉक्स के शेयर होल्डर्स को क्या करना है वो समझते हैं। पहले ग्लेनमार्क फार्मा की बात करता हूं, जो ये सौदा कर रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा के पास आएंगे 5,650 करोड़ रुपए, इसमें से टैक्स कट जाएगा लगभग 500-600 करोड़ का, 5,000 करोड़ के समथिंग के ग्लेनमार्क फार्मा पे पैसा बचेगा। ग्लेनमार्क फार्मा उस 5,000 करोड़ में से लगभग 4,500 करोड़ का अपना डेट चुका देगा, और इसी के साथ वो डेट फ्री कहीं ना कहीं हो जाएगा। 500 करोड़ रुपए ग्लेनमार्क फार्मा क्या करेगा क्या नहीं करेगा अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी उन्होंने, बट उन्होंने ये कराया कि हम अपने पास पैसा रखेंगे, आगे चलकर इसको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए काम आएगा और उसको उस तरीके से यूज करेंगे। अब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एक एक चीज दोनों है। पॉजिटिव देखते हैं तो डेट चुका दिया, डेट फ्री हो जाएंगे, इंटरेस्ट बचने लगेगा और डेट फ्री की एक अलग वैल्यू होती है। नेगेटिव देखेंगे तो एक पूरा बिजनेस बिक गया, एक अच्छा खासा बिजनेस चला गया, नया बिजनेस बनाना पड़ेगा, ये नेगेटिव है। अब इसके शेयर होल्डर्स क्या करें, देखिए शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो दोनों स्टॉक्स के मैं टेक्निकल बेसिस पे लेवल्स देखना चाहूंगा एक बार। ग्लेनमार्क फार्मा 796 पे है, रिसेंटली बड़ी तेजी में आया है, 88 के पीई पे आ चुका है। आप देखें तो 6 महीने पहले 450 रुपए का शेयर था, जो अभी 800 रुपए, तो डबल हो चुका है। मैं आपसे कहूंगा टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग है, 750 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मेरा खरीदारी करने का बिल्कुल मूड नहीं है। आगे पीछे होकर कभी ये स्टॉक 600 रुपए पे अगर आ जाता है तो फिर लेने के लिए हम तैयार हैं। इसके पीछे दो कारण है, कंपनी तो अच्छी खासी है ही नो डाउट, और बिजनेस ग्रो कर देगी, 500 करोड़ रुपए आएगा कंपनी पे, बिजनेस ग्रो कर देगी कंपनी, और ग्लेनमार्क अपने आप में एक बड़ा नाम है और डेट फ्री हो जाएगा तो पॉजिटिव है, आगे चलकर पैसा बन सकता है। बट इस भाव से अगर आप मेरे से को खरीद लो तो मेरे को कंफर्ट नहीं आ रहा, मैं डिप चाहता हूं,
50, वैसे भी फार्मा स्टॉक्स में ना मैं बहुत सिलेक्टिव रहता हूँ, वैसे लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को केवल 3 ही फार्मा स्टॉक्स पसंद है जो मैं काफी बार शेयर कर चुका हूँ। ग्लेनमार्क फार्मा पर्टिकुलरली कोई लेना ही ये चाहता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो वेट करना चाहिए। बाकी वेट करने से पहले अगर 1000 रुपए का हो गया तो आप मेरे को ट्रोल कर सकते हैं, वो हो सकता है, बट मैं डिसिप्लिन रखता हूँ, मेरे को अपना भाव चुनना होता है जो मैंने चुन रखा है। 600 रुपए पे मेरे को लगता है अगर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं खरीदूंगा पहला इंस्टॉलमेंट, उसके बाद बाय एंड डिप्स करूंगा। क्योंकि अगर आप देखें तो 2030 में इस स्टॉक का भाव जनवरी में ही, जनवरी फरवरी में 380 रुपए का था, वहां से बहुत बड़ी तेजी आ गई है। और एक बिजनेस को बेच देना कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, आपके पास जो चीज है वो तो कभी भी बिक सकती है, आपका डेट चलता जा रहा है ठीक है, वो बिजनेस तो कभी बिक जाएगा, आपने बेच दिया डेट चुका दोगे, बिजनेस तो चला गया ना, ग्रो कर रही थी, 500 करोड़ रुपए रह गया, 500 करोड़ से कितना ग्रो करोगे वो देखने वाली बात होगी। तो मेरे को कुछ ज्यादा खास नहीं है, वैल्यूएशन भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं इस समय मेरे को ग्लेनमार्क फार्मा के, तो मैं वेट करने की राय दूंगा। वहीं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस की बात करी है तो उसने तो पैसा ही नहीं बना के दिया निवेशकों को। बाकी निर्मा फार्मा में अच्छा एंटर कर रहा है, अब किस हिसाब से ग्लेनमार्क लाइफ को लेके जाता है वो देखने वाली बात होगी। ये मेरी तरफ से पूरी डिटेल वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।